नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आ चुके हैं गेटोर की छतरियाँ। यह जयपुर में स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए यातायात की सुविधा बहुत ही अच्छी है। गेटोर की छतरियाँ पहुँचने के लिए छोटी चौपड़ से गणगौरी बाज़ार होते हुए ब्रह्मपुरी से हम गेटोर की छतरियाँ पहुँच सकते हैं। यह नारगढ़ की पहाड़ियों की तलेटी में स्थित है। गेटोर की छतरियों में दिवंगत राजाओं की समाधियाँ हैं। गेटोर का अर्थ गायों को ठोर, इसीलिए इसे गेटोर की छतरियाँ कहते हैं। साधारण भाषा में हम इसे शमशान घाट भी कह सकते हैं। यहाँ पर जयपुर के शासकों के स्मारक हैं। यह एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पर एंट्री फीस लगती है। तो हम चलते हैं गेटोर की छतरियाँ देखने के लिए। आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम आपको इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। तो आज हम आपको हमारे इस वीडियो में देश की ऐतिहासिक धरोहर दिखाएंगे। यह प्राचीन वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है, जो आज हम आपको हमारे इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। ये वाली छतरी है राजा मानसिंह सेकंड की। ये 1970 में बनी थी। ये वर्ल्ड पोलो चैम्पियन थे। इन्होंने इंग्लैंड से वर्ल्ड कप जीता था और इनकी मृत्यु घोड़े से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी इंग्लैंड में। और जहाँ इन पर जहाँ जलाया था वहाँ पे उनकी अस्थियों को विसर्जन करके जहाँ जलाया था वहाँ पर छतरी बना दी गई है। भवानी सिंह जी की है। ये 2011 में बनी थी। ये अपने जयपुर के लास्ट महाराजा थे। ये इनकी अपनी बटालियन थी, ये कुछ चलाते थे उनको। ये छतरी राजा माधव सिंह सेकंड की है। ये 1922 में बनी थी। ये सैंडस्टोन पत्थर से बनी हुई है। इनकी डिजाइन आप जितनी भी आप देख रहे हैं ये सभी हाथों से बनाई गई है। ये हैंड वर्क है पूरी। और उनको यहाँ पे जलाया गया था। जलाने के बाद में उनकी अस्थियों को विसर्जन करके उनकी याद में ये छतरी बनाई दी है। ये 1922 में बनी थी। इसमें आप देख रहे हैं ये छतरियाँ गंगा सिंह जी और गोपाल सिंह जी की है। ये 1950 में बनी थी। इनमें भी डिजाइन आप देखेंगे तो इनमें हैंड वर्क है, पूरा हाथों से बनाया गया है। और श्री गंगा सिंह जी ने श्री गंगानगर शहर की स्थापना की थी। ये जो देख रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट के अंदर स्थित है ये, और हम सेकंड पार्ट में जा रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है यहाँ का गेटोर की छतरियों का। सामने ये मंदिर देख रहे हैं आप, ये 400 साल पुराना मंदिर है। शिव जी का मंदिर है, 400 साल पुराना मंदिर है। इसमें ये अपना जयपुर में नहीं बसा था, उससे पहले का है। और ये बरगद का पेड़, कम से कम 100 साल पुराना बरगद का पेड़ है इसमें। और इसमें एक छोटा मंदिर है, वो कम से कम 400 साल पुराना मंदिर है, शिव जी का प्राचीन मंदिर। ये बरगद का पेड़ काफी पुराना है, कम से कम 100 साल पुराना बरगद का पेड़ है इसमें। सामने आप ये देख रहे हैं ये राजा माधव सिंह के बच्चों की बनाई गई है। उनकी 9 रानियां थी और उनके 14 बच्चे थे, जिनमें से एक लड़की थी उनकी और 13 लड़के थे। बीच में उनकी लड़की की बनाई गई है और बाकी साइडों में उनके 13 लड़कों की छतरी बनाई गई है।
अब हम जा रहे हैं थर्ड पार्ट, गेटोर के छत्रियों का थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में हम एंट्री कर रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं ये छत्री महाराजा सवाई जय सिंह की है। इन्होंने अपने जयपुर की स्थापना की थी। अपना जयपुर सन 1727 में अपना जयपुर बसा था और इनकी मृत्यु सन 1747 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी याद में ये छत्री बनाई गई। इसमें पूरा हाथों से काम, इस कारीगरी हाथों से बनाई गई। और ये वाली छत्री महाराजा प्रताप सिंह जी की है। ये 1925 में बनी थी। सामने ये छतरी आप देख रहे हैं ये महाराजा सवाई राम सिंह जी की है। ये इटालियन पत्थर से बनी हुई है। इसका मार्बल इटालियन से मंगाया गया था और इसकी डिजाइन पूरी टोटल हाथों से बनाई गई है। ये टोटल पत्थर से बनाया गया है इसमें, और इनकी डिजाइन सभी कारीगरी हाथों से है। ये सन 1880 में बनी थी और अपने जयपुर को पिंक कलर इन्होंने दिया था, राजा राम सिंह। सामने आप ये दो छतरी देख रहे हैं, ये महाराजा जगत सिंह जी की और महाराजा सूर्य प्रताप सिंह जी की है। महाराजा जगत सिंह जी की 1997 में बनी थी और महाराजा प्रताप सिंह की 1994 के ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है, लाल पत्थर से बनी हुई है। यहाँ के प्रत्येक समाधियों की छतरियों पर बारीकी कारीगरी और नक्काशी की गई है। इन समाधियों के चारों ओर युद्ध, शिकार, वीरता और संगीत प्रियता के चित्र बनाए गए हैं। कलात्मक और बारीक नक्काशी का उदाहरण आप देख सकते हैं। यहाँ पर सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है। यह छतरियाँ कलात्मक और बारीक नक्काशी से बनाई गई हैं। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
मैं मनोज कुमावत आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो हमारे इस वीडियो में नए हैं वो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।